हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कलर मतलब रंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं जो आपके पेपर की दृष्टि से मुझे महत्वपूर्ण लगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रासायनिक सिद्धांत अथवा रंगकणी सिद्धांत के अनुसार कितने प्राथमिक रंग हैं। तो रासायनिक सिद्धांत अथवा रंगकणी सिद्धांत के अनुसार 3 प्राथमिक रंग हैं। कौन कौन से? लाल, पीला और नीला। कौन से? लाल, पीला और नीला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री रंग चक्र क्या है? तो सभी 12 रंग मिलाकर स्त्री रंग चक्र बनता है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक व सहायक रंग कौन कौन से हैं। तो भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक व सहायक रंग हैं जो आपके हैं, प्राथमिक रंग है आपके लाल, हरा, बैंगनी और सहायक रंग है पीला, नीला, लाल, बैंगनी। ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग मूल और त्रिविधता ये 3 आयाम के आधार किस सिद्धांत के हैं। तो वर्ग मूल त्रिविधता ये 3 आयाम के आधार मसेर रंग प्रणाली सिद्धांत के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के प्रभाव से कौन सा सिद्धांत संबंधित है। तो नेत्र के प्रभाव से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के 4 प्राथमिक रंग हैं। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के 4 प्राथमिक रंग हैं, ठीक है। तो प्राथमिक रंग में हरा नीला पीला लाल आता है, ठीक है। और सहायक रंग में नारंगी, पीला, हरा, नीला, हरा और बैंगनी आता है। फिर प्राग के सिद्धांत में क्या बताया गया है। तो प्राग के सिद्धांत केवल रंगों की विशेषता और रंगों की श्रेणी बनाई गई है, बस। फिर प्राग रंग प्रणाली क्या है। तो रंगों की 3 विशेषता या गुण होते हैं, रंगों के 3 विशेषता या गुण होते हैं जो कि रंगों के परिमाण कहलाते हैं। और यह तीनों एक दूसरे से उसी प्रकार संबंध रखते हैं जैसे किसी वस्तु होती कोई वस्तु, उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती ना, वैसे ही ये संबंध रखते हैं। रंगों के परिमाण हैं रंगों का गर्मपन और ठंडापन, जैसे कि रंग गर्म की ठंडा, इसे कहते हैं ह्यू या रंगों के नाम। फिर आता है रंगों का हल्कापन और गहरापन, इसे कहते हैं रंगों की वैल्यू। फिर नेक्स्ट आता है रंगों की चमक या मंद रूप, इसे कहते हैं रंगों की तीव्रता या क्रोमा। फिर आपका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कौन से परिमाण सभी रंगों में उपस्थित होते हैं। तो ह्यू, वैल्यू और तीव्रता। ह्यू प्रतीक क्या है। तो ह्यू ऐसा शब्द है जो रंगों के नाम को दर्शाता है, जैसे लाल नीला हरा। नीले और हरे में जो अंतर है वही उसकी ह्यू में अंतर है। जैसे जैसे हरा नीलेपन में परिवर्तित होता है उसका ह्यू भी परिवर्तित होता जाता है और फिर वह हरे के स्थान पे नीला हरा कहलाने लगता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए नीला और हरा है, जो नीला और हरा है उसमें कुछ अंतर है, तभी तो नीला नीला और हरा है, वही इसके हू में अंतर है, ठीक है। और जैसे ही हरा नीलेपन में परिवर्तित होने लगेगा धीरे धीरे, तो उसका हू भी परिवर्तित होने लगेगा और फिर हरे के स्थान पे नीला हरा कहलाता है। फिर प्राग चार्ट के अनुसार 6 स्टैंडर्ड रंग कौन से हैं। तो 3 प्राथमिक रंग नीला पीला लाल। फिर द्वितीय रंग आएंगे आपके 3 नारंगी, हरा, बैंगनी। फिर किसी भी रंग के सामने वाला विपरीत रंग उसका संपूरक रंग कहलाता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि मध्यवर्ती ह्यू होते हैं। तो पीला 6 मध्यवर्ती ह्यू कौन कौन से। तो पीला हरा, नीला बैंगनी या नीला जामुनी, लाल बैंगनी या लाल जामुनी या लाल नारंग जामुनी, फिर होता लाल नारंगी और फिर पीला नारंगी। फिर नेक्स्ट है कि सभी रंगों को 3 आधारभूत ह्यू को विभिन्न अनुपात में मिलाने से प्राप्त किया जा सकता है, लाल, पीला और नीला। ये 3 प्राथमिक रंग कहलाते हैं क्योंकि इन्हें अन्य रंगों के मिलाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर आता है प्राग प्राणी में किस रंग को जामुनी रंग कहा जाता है। तो बैंगनी। तितर रंग कौन से हैं। तो पीला, नीला और लाल, जो कि थोड़े उदासीन रूप में होते हैं। फिर द्वितीयक रंग या सहायक रंग कौन से हैं। तो लाल
और नीला को मिलाकर बैंगनी बनता है, पीला और नीला को मिलाकर हरा बनता है, और लाल और पीला को मिलाकर नारंगी बनता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रंग के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।